टाटा का यह शेयर 4 दिन में 36% चढ़ा। अब ग्रुप का ये प्लान निवेशकों को देगा झटका, सोमवार को दिखेगा असर। पिछले हफ्ते टाटा ग्रुप की कंपनियों के कई कंपनियों के शेयरों में धुनाधार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन यह रफ्तार अगले हफ्ते फीकी पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सन्स आईपीओ लाने से बचने की कोशिश कर रहा है। इसका बुरा असर टाटा केमिकल्स पर सबसे अधिक पड़ेगा। बता दें, 4 दिन में टाटा केमिकल्स के शेयरों में 36% की तेजी देखने को मिली थी। क्या है मामला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के तहत टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक लिस्ट होना होगा। समूह इससे बचने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टाटा सन्स ने याचिका भी दायर की थी, लेकिन लिस्टिंग से बचने वाली इस याचिका को रिजर्व बैंक रद्द कर दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लिस्टिंग से बचने के लिए टाटा सन्स अपने बैलेंस शीट का रिस्ट्रक्चर करने के विकल्प तलाश रहा है। यदि कर्ज को चुका कर लोन को रिस्ट्रक्चर करने में टाटा सन्स सफल रहा और टाटा कैपिटल में अपनी होल्डिंग को किसी अन्य यूनिट में ट्रांसफर करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक इन्वेस्टमेंट या अपर लेयर NBFC के तौर पर रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। इससे समूह लिस्टिंग लाने से बच जाएगा। टाटा के इन कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी। इस पूरे घटनाक्रम से जिस कंपनी पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है वह टाटा केमिकल्स है। मौजूदा समय में टाटा केमिकल्स की कुल हिस्सेदारी टाटा सन्स में 3% की है। बता दें, पिछले हफ्ते ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, रेलीज इंडिया, टाटा पावर कंपनी के शेयरों में क्रमशः 33%, 28%, 14% और टाटा पावर के शेयरों में 13% की तेजी देखने को मिली है। बता दें, टाटा ग्रुप की तरफ से टाटा सन्स के आईपीओ को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद लोगों ने पिछले हफ्ते टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को खरीदने लगे थे। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।